नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। सीमावर्ती क्षेत्रों में बीते दिनों से हो रही जबरदस्त बर्फबारी के बाद नीति और मीणा की घाटियों की सड़क भी बर्फबारी की चपेट में आ गई है, जिस कारण नीति माना जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। आपको बता दें कि रविवार को दोपहर बाद बर्फबारी का सिलसिला थोड़ा थम गया, जिसके बाद बीआरओ की टीम के द्वारा नीति माना तक जाने वाली मुख्य सड़क पर पूरी तरह से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं भारी बर्फबारी के बाद वहां सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि वहां पे आवागमन आराम से हो सके और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलामती को लेकर नवनियुक्त वक्फ बोर्ड के सदस्यों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक चादर अकीदत के साथ दरगाह पीरान कलियर भेजी। चादर को वक्फ बोर्ड के सदस्य और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दरगाह पीरान कलियर हजरत सबीर पाक के रोजे मुबारक पर पेश कर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सलामती की दुआएं मांगी। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री और नव नियुक्त वक्फ बोर्ड सदस्य शादाब शंस ने कहा कि पंजाब दौरे पर गए पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसकी वक्फ बोर्ड के सदस्य और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पंजाब में बैठी कांग्रेस की सरकार को सुरक्षा में हुई चूक का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आह्वान पर उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से एक चादर पेश की है कि प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज ये चाहता है कि जो पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिस हैपनिंग होते होते रह गई, जिस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश होते होते मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रह गई, जिस तरह से उनकी जिंदगी पे खतरा मंडराया था, कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम सब लोग मिलकर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चादर भेजी है कि जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की लंबी उम्र की हम लोग दुआ करें, उनकी कामना करें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मांगी गई पीरान कलियर में मांगी गई कोई दुआ जाया नहीं जाती, इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ हमने दुआ मांगी है। और चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही 5 राज्यों में विधिवत रूप से विधानसभा चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों का लक्सर और हरिद्वार के मतदाताओं ने स्वागत किया है। मतदाताओं का कहना है कि आयोग के निर्णय से जहां कोरोना के प्रकोप को फैलने का खतरा कम होगा, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। मैं इस बारे में ये कहूँगा, जो बैन लगा गया है इससे जनता जनार्दन को, जो आम जनता, वो बहुत सुख महसूस करेगी और वो इतना सुख महसूस करेगी जिससे कि ये भीड़ भड़ाका नहीं होगा। जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ विदेशों से चल कर के हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं, इस बीमारी के फैलने का बहुत भारी डर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड प्रदेश में है, और अगर इससे हम बच गए तो समझो इस बीमारी से भी हम बच जाएंगे और हर तरह से ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोई पीड़ा नहीं है,
सबके अपने अपने मिथक है, हम इससे बड़े प्रसन्न हैं। कुल मिलाकर जो निर्णय आया है इससे एक तो शोरगुल, लोग इधर उधर भटकते थे वोटिंग में, कोई प्रलोभन कोई कुछ देता और इतना शोर शराबा होता कि जनता परेशान रहती, और हम इससे इतने खुश हैं कि बल्ले बल्ले होगी। यह निर्णय है और मैंने आप पहले भी बताया कि इसमें जो है सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार रुकेगा। ये जो लोग कोई आता है कि जी शराब दे दो, कोई कहता है जी पैसे दे दो, तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है। और ये भी बहुत बढ़िया निर्णय है कि जो डोर टू डोर कन्विंसिंग वाली है कि भाई 5 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत बढ़िया निर्णय है। चुनाव की पूरी तैयारी है हमारी और मैं पूरी कमर कस चुका हूं, और आला कमान को देखना है कि वो कांग्रेस का टिकट किसको देते हैं। और मैं तो अपनी तरफ से पूरा अपना समर्थन मांगता हूं पार्टी से भी, और जिस तरह से लक्सर की विधानसभा का जो मुझे समर्थन मिल रहा है युवा साथी बुजुर्गों को माताओं का, उससे मैं बहुत खुश हूं। और आगे मैं कांग्रेस आला कमान से यही प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस का टिकट मुझे दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीट जो है मैं 100% निकाल के दूंगा कांग्रेस को। खबर लक्सर से है जहां विधानसभा चुनाव को लेकर खानपुर विधानसभा के शेखपुरी, ढोड़की खेड़ी, कुआखेड़ा, अकोड़ा सहित करीब 15 गांवों के जिम्मेदार लोगों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अभी तक भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि राजनीतिक दलों को वोट देते आए हैं। जीतने के बाद इन पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए अपने दल की बात मानी जाती है, भले ही वो क्षेत्र की आम जनता के हित में हो या ना हो। उन्होंने तय किया कि इस बार राजनीतिक दलों को दरकिनार कर खानपुर क्षेत्र में ही रहने वाले ऐसे उम्मीदवार का वोट दिया जाए जिसे स्थानीय समस्याओं की जानकारी हो और जिसकी छवि भी क्षेत्र में अच्छी हो। वक्ताओं ने पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को इस बाबत जागरूक करने का भी फैसला किया। इस बार हमने लगभग 2 महीने से हम घूम रहे हैं, तो हमको इतना जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम अकेले यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब लोग बाहर के हैं। तो जितना भी हमारे क्षेत्र का किसान है, मजदूर है और आम आदमी और ख़ास आदमी, सब लोग हमें पसंद कर रहे हैं और हमें बहुत मतलब लगभग 70% तक अभी हमें जो है सहयोग मिल रहा है। और सबका यही है कि भाई हमारे क्षेत्र का नेता बने, हमारा क्षेत्र खादर क्षेत्र इस बार जो है इस खानपुर विधानसभा में राज करें। दिल से और मन से और धन से भी मुनेश जी की साथ है, और मुनेश जी ने हर गांव से भारी समर्थन मिल रहा है, और इसलिए सभी किसान भाई और नौजवान युवा बेरोजगार जितने भाई हैं, मजदूर हैं, सब मुनेश जी की साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मुनेश जी का प्रचार कर रहे हैं। रुड़की के धनौरी स्थित बावन दरा पुल पर बर्फ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिस पर राहगीर भी अपने फोटो कवरेज कर रहे हैं, और साथ ही राहगीरों का कहना है कि ऐसा नजारा मसूरी में देखने को मिलता था जो आज धनौरी में मिल रहा है। ऐसा क्या देखने को मिला जो राहगीर भी और जरीन भी देखने को आ रहे हैं, अब विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं ये नजारा, आज से पहले कभी नहीं देखा होगा जो आज देखने को मिल रहा है। नेशनल टीवी 24 की टीम आज रुड़की के धनौरी बावनदरा स्थित पुल पर पहुंची है। आज हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जैसा कि पहाड़ों में हुआ करता है। आज पिरान कलियर से यहां पर अनेक जायरीन भी आ रहे हैं, जो आपको दिखाते हैं कि अलग अलग इसकी
मतलब फुटेज कर रहे हैं और यहाँ पर इसका अलग ही नज़ारा दिखा देखने को मिल रहा है। देखिए आज हमारे कैमरामैन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा क्या आज देखने को मिला कि यहाँ पर अलग अलग रोक से मतलब सभी गैरिन यहाँ पर देखने को आ रहे हैं और दूर दूर से यहाँ पर क्लियर से जो गैरिन है वो भी यहाँ पर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। यह एक अलग ही किस्म की बर्फबारी है जैसी कई यहाँ पर झाग से दिखाई दे रहे हैं और यह सब पहले ही देखने को मिल रहा था। आज पहला बार ऐसी बार यहाँ धनौली में यह देखने को मिला है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन कार्य तेजी से पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे के द्वारा जहां स्कूल कॉलेजों में शिविर लगाकर बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को उनके घर जाकर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं गोस्वामी विद्या मंदिर स्कूल कालाडूंगी में आयोजित शिविर में 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाकर बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए और बच्चों ने कोरोना से बचाव के लिए दूसरे लोगों को भी वैक्सीन लगाने का संदेश दिया। बालाघाट जिले के कपरवाड़ा थाना अंतर्गत गत सोमवार ग्राम धोड़ाधड़ी में जंगल में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसका खुलासा करते हुए पसरवाड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी राजीव उइके ने बताया कि मृतिका की अपने सास ससुर से नहीं बनती थी और वे भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए मृतिका द्वारा गांव के दो परिचित लोगों से बात कर सास ससुर और पति के लिए मोहिनी बनवाने के लिए बोली थी। दोनों ने यह बात पास के गांव में रहने वाले पचलू को बताई। ग्राम सुकड़ी में रहने वाला पचलू ने महिला को आने बोला था और साथ में पंखा से बात होने को बताया था। झाड़ू फूंक पर यहां ले आने वाले कहकर तीनों ने षड्यंत्र पूर्वक डालेश्वरी को जंगल में बुलाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। महिला ने इस बात का विरोध किया तो तीनों आरोपी ने मृतिका को कुल्हाड़ी और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जंगल लकड़ी लेने जाने को कहकर अपनी माँ को जो है बोलकर घर से निकली थी जी। और वो शाम तक नहीं आई तो उनके घर वाले ढूंढने के बाद नहीं मिले तो 3 तारीख को थाने आकर रिपोर्ट लिखा है और 3 तारीख को ही गाँव वालों ने किसी ने देखा कि नर्सरी में जो है अर्धनांग अवस्था में जो है मृति का इलाज पड़ी हुई है जी। और उस आधार पर मृति के कॉल डिटेल के आधार पर कॉल लास्ट की जाँच की गई और जो लास्ट बार जो बात हुई थी संदेह उठाकर पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हम उसके साथ बलात्कार किया और बाद में जबरदस्ती डबल मतलब दूसरी बार भी करने के लिए बोला तो विरोध शुरू आ गई थी तो उन्होंने से पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी। सर आरोपी कितने लोग हैं इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं। 6 साल पहले मनरेगा योजना अंतर्गत मुक्तिधाम निर्माण हेतु लाखों रुपए राशि स्वीकृत होने के बाद भी स्थानीय लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए भटकते और परेशान होते रहे। इस बड़ी लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों ने क्षेत्रीय सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल मामला ग्राम पंचायत मछंद के अंतर्गत माजरा इटाई का है, जहां मनरेगा से शांति धाम निर्माण के लिए 6 साल पहले 2016-17 में राशि स्वीकृत हो जाने के बाद भी मुक्तिधाम का निर्माण नहीं कराया गया, जिस कारण ग्राम पंचायत मछंद के सचिव सियाराम तिवारी और जनपद पंचायत रौन के उपयंत्री सुरजीत मौर्य को जनपद पंचायत रौन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस देकर 2 दिवस में जवाब मांगा है। छिंदवाड़ा जिले के हराई तामिया और बिछुआ में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसल को भी नुकसान हुआ है। बारिश से गांव के गलियारों में सड़कों पर घरों के आंगन में सफेद चादर बिछ गई। बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों को तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों का गेहूं चना आदि फसलें कुछ तबाह कर दिया।
प्रभावित किसान इस फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि किसानों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। सागर जिले में अब तक सबसे अधिक लागत से निर्मित हुए सरकारी कार्यालय भवनों में शुमार। देवरी एसडीएम कार्यालय की 775 लाख लागत की बिल्डिंग अपने लोकार्पण के 5 सप्ताह बाद ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ज्ञात हो कि भवन के पश्चिमी कोने में क्षतिग्रस्त होकर मटेरियल गिरने के कारण उक्त स्थल की बैरिकेटिंग की गई है। मामले में एसडीएम देवरी द्वारा निर्माण विभाग पीआईयू को पत्र लिखने की बात कही गई है, परंतु प्रशासन की नाक तले हुए इस गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। अभी जो ताजा मामला नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय के लोकार्पण के बाद, उस समय भी लोगों ने देखा था और शिकायतें की थी कि क्रैक्स दिखाई दे रहे थे निर्माण कार्य, जबकि 6 करोड़ 60 लाख रुपए का है। मगर जितना उच्च स्तर की गुणवत्ता की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, मेरे द्वारा स्वयं उस पर भूमि पूजन किया गया था, आनन फानन में लोकार्पण के माध्यम से, रोगन के माध्यम से लोकार्पण हो गया, मगर आज उसकी कलई खुल चुकी है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, संबंधित विभाग के एसडीओ से लेकर ई तक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। वो मात्र अनुभागीय कार्यालय की बात नहीं है, चाहे वो हाई। रहली क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर आफत बनकर बरसी है। शनिवार को रहली में रुक रुक कर बारिश होती रही, तो वहीं रविवार को सुबह से लगातार बारिश जारी है, जिससे किसानों को आफत बनकर बरस रही है। गड़ाकोटा के समीप लगभग 1 दर्जन गांव में सुबह 4 बजे ओले की बारिश हुई, जिससे किसान चिंतित है। इसी को लेकर भाजपा नेता और मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की तस्वीरें हृदय विदारक है। पूर्व से ही कर्ज के बोझ से तले दबे हुए किसानों के लिए अत्यंत मुश्किल भरा समय है। किसानों का कहना है कि इस प्रकार बिन मौसम की बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और ओले गिरने से फसल चौपट हो सकती है। कंटिन्यू बारिश हो रही है, सुबह ओले भी गिरे, रात में भी। फसलों के लिए क्या है, डूबी है सर, 3 दिन हो गए हैं, कंटिन्यू बारिश हो रही है, खेत भर गए हैं, तालाब बन गए हैं पूरे खेत, और ओले भी गिरे हैं, उससे भी हानि है बहुत। ये कौन सा क्या है इसमें, चना है? चना है सर इसमें, गेहूँ भी उधर अंदर वो कछुआरा वगैरह लगा है, इधर कुछ नहीं बचा है, सब तबाही है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है कि खेतों में खड़ी हुई फसलों में काफी मात्रा में जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण काफी नुकसान हुआ है। मैं किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, शिवराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार आपके साथ हर हाल में खड़ी हुई है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए हर प्रकार की राहत देने का काम हमारी सरकार करेगी और हम सदैव आपकी मुसीबत में आपके साथ। वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग किशोरी लापता हो गई। बताया गया कि जो रोग अस्पताल परिसर में बने स्टॉप से शनिवार से किशोरी लापता है। वहीं परिजनों ने अज्ञात आरोपी पर भैला फुसलाकर ले जाने की पुलिस से शिकायत की है। कंपू थाना पुलिस ने माता पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस किशोरी की बरामदगी के प्रयास कर रही है। कंपू थाना में वन स्टॉप सेंटर की सह संचालिका ने आगे शिकायत की कि एक बालिका जो करीब 14 साल की है और गोल पहाड़िया ग्वालियर की रहने वाली है, दिनांक 8 तारीख को प्रातः 9:30-10 बजे के करीब वन स्टॉप सेंटर से कहीं चली गई है, जिसका पता नहीं चल रहा है। बालिका के गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट लिखाई है। उन्हें शक है कि कोई व्यक्ति उनको बेला फुसला के ले गया है, इस बात पर से प्राथमिकी पंजीबद्ध कर ली है, बालिका की तलाश कर रही है। जबलपुर सिविक सेंटर स्थित होटल समदड़िया ग्रैंड में जबलपुर प्राइड ग्रुप का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अजय विश्नोई, पूर्व मंत्री और विधायक, और विशेष अतिथि फादर वलन अरासु प्रचार्य सेंट अलासियस कॉलेज एवं
इंद्रमोहन भाटिया अध्यक्ष पंजाबी महासंघ की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी ने शपथ ग्रहण की और साथ ही फ्लोर प्रोजेक्ट के तहत जागृति संस्थान के निराश्रित बच्चों को स्कूल बैग और चप्पल दी गई और भेड़ाघाट बाईपास स्थित अंध मुक्त विद्यालय को एक गैस भट्टी और बर्तन दिए गए। इसी तरह शहर के विभिन्न कन्याशाला को सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन देने की घोषणा भी की गई। में सेवा का जज्बा भी है और सेवा की कुवत भी है। सही दिशा में और सही लोगों की सेवा हो जाए तो वो एक आत्म संतुष्टि भी देती है और हमको ये गर्व और गौरव का अनुभव भी देती है कि हम जबलपुर के रहते हुए जबलपुर के लोगों की चिंता करने वाले लोग हैं। आज जबलपुर प्राइड ग्रुप के मेंबर्स को देखकर मिलकर ये ऐसा लगा कि ये वास्तव में बहुत सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। ये सकारात्मक सोच का ग्रुप है जो सेवा कर करके अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है, साथ में जबलपुर को भी गौरव प्रदान कर रहा है। जबलपुर प्राइड ग्रुप के इन सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज लूट की घटना का खुलासा हुआ। इस घटना में शिकायतकर्ता ही निकला आरोपी। आपको बता दें कि थाना सिहोरा में मंजू यादव शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई और सिहोरा पुलिस को बताया कि मैं अपनी दुकान से रुपयों से भरा बैग लेकर आईसीआईसी बैंक की ओर निकला, तब दो बाइक सवार लोगों ने आकर मेरे बाजू से गाड़ी को सटाकर कंधे में टंगे हुए बैग की बद्दी में पीछे बैठे बाइक सवार व्यक्ति ने चाकू मारकर पैसे से भरा बैग छीन कर ले गए। इस सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि पुलिस के द्वारा एक गठित टीम बनाई गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल पूर्व में पकड़े गए संबंधित आरोपियों से पूछताछ की है। अब इसका जो पर्दाफाश हो गया है, इसमें 6 आरोपी हैं टोटल। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो फरियादी थे वही इसमें आरोपी हैं। जो मंजू यादव जो कैश कलेक्ट करके जिनके यहाँ काम करते थे पीयू ट्रेडर्स के यहाँ, वहाँ से कैश लेकर के आईसीआईसी बैंक जा रहे थे, ये उन्हीं के द्वारा मंजू यादव के द्वारा ही ये जो साजिश रची गई थी। इस मंजू यादव का साथ इसमें इनके इन्हीं के गांव के इनके दो परिचित लोग जिनका नाम सत्यम राजपूत और अजय गर्ग था, उनके साथ उन्होंने घटना कार्य की। कुल मिला के घटनाक्रम इस प्रकार का था कि जब ये वो कैश उस दिन 4 तारीख को लेके निकले थे तो उन्होंने खुद ही सूचना, यानी कि मंजू यादव ने खुद सूचना इस चीज की सत्यम राजपूत को दी। सत्यम राजपूत और अजय गर्ग ये दोनों मोटरसाइकिल से थे, इन्होंने इनका पीछा किया और फिर एक नाटकीय रूप से वो बैग छीना। जबलपुर में वर्तमान कोरोना की स्थिति और बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर आगामी 12 जनवरी से जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 11 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव वृहद रूप से आयोजित होने जा रहे थे, परंतु वर्तमान में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए सभी तैयारियों व पंजीयन के पश्चात भी जनहित में इसे स्थगित करने का निर्णय किया है। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर मेघनगर का बाल संचालन प्रथम बार आयोजित किया गया। इस दौरान बाल स्वयंसेवकों ने पूर्ण उत्साह और पूर्ण गणवेश के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेंद्र पालावत ने की और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अनिल गुड़िया ने खंड कार्रवाई ने अपने बौद्धिक में संघ का परिचय और स्वयं सेवकों के दायित्व का पालन और समाज सेवा को अपना जीवन समर्पण करने की बात कही। बाल संचालन छोटी कन्याशाला से निकलकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुणे कन्याशाला परिसर में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के बाद देश में चल रहे सियासी बवाल के बीच आज झाबुआ जिले के साथ थांदला विधानसभा के जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महर्षि दयानंद सेवाश्रम के गायत्री मंदिर परिसर में यज्ञ
यज्ञ कर महामृत्युंजय का जाप किया। इस मौके पर सांसद गुणमान सिंह डामोर, भाजपा प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कांग्रेस और पंजाब की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा और यह षड्यंत्र इतना घातक था कि इसका कुछ भी दुष्परिणाम हो सकते थे, आज पूरे देश ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए यथाशक्ति शिवालयों में जाकर और जहां जिसको जैसा समय मिला सब ने महामृत्युंजय का जाप किया। खनिया थाना क्षेत्र में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश और कल रात हुई ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र के करीब 50 गांव के खेतों में तैयार हो चुकी फसल 100% नष्ट हो गई। किसानों के हुए नुकसान और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को देखने आज भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह यादव ने करीब 20 से 25 गांव में पहुंचकर किसानों के नुकसान की जानकारी ली और तुरंत ही पिछौर SDM JP गुप्ता और खनिया थाना तहसीलदार सुधा तिवारी को फोन कर जानकारी देकर ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे कराने का अनुरोध किया। SDM पिछौर ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हल्का पटवारी के साथ एक टीम बनाकर हर गांव में भेजकर किसानों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। शासन द्वारा किसानों के हुए नुकसान की भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रहलाद सिंह यादव ने बताया कि उनके द्वारा भी अपने आला नेतृत्व को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास भी किया जाएगा। जो प्रावधान है उसके अनुसार जो भी राहत राशि है सभी किसानों को दी जाएगी। अभी हमने सर्वे दल गठित कर दिए हैं, पटवारी, RAEO और पंचायत सचिव, ये सभी गांव-गांव जाएंगे, हर सर्वे नंबर पर सर्वे करेंगे और जहां जिनको जो नुकसान हुआ उसका RBC चचार के प्रावधानों के मुताबिक राहत राशि इनके खाते में भेजी। पुरोहित जी, आप लोगों के साथ संयुक्त दौरा किया और कोयलान, बदनपुर, दबिया जगन, कुम्हर्रा सभी गाँव, कम से कम 10-15 गाँव का हमने दौरा किया है। 101% किसानों का नुकसान हुआ। अभी SDM साहब से चर्चा हुई, उनसे निवेदन किया कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, तो उन्हें भी आश्वासन दिया कि हम टीम गठित करके प्रत्येक मेड़ पर सर्वे करेंगे, इसके बाद प्रकाशन होगा जिससे किसान संतुष्ट हों उस सर्वे से, और हम इस रिपोर्ट को अपने केंद्रीय नेतृत्व श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, सभी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा मिले जिससे हमारा किसान दुखी न रह सके, ऐसी हमारी कोशिश। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रबंध जन विचार संगोष्ठी उमरिया भाजपा द्वारा सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के मुख्य अतिथि में मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगोष्ठी में सभी प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि ने पिछड़ा वर्गों के हितों की संरक्षण भाजपा सरकार को बताया। पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए भाजपा सरकार संलिप्त है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की बात प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने कही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण नहीं होने पर मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव पर रोक लगाई और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के पक्ष में अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। भाजपा की सरकार सदैव से ही पिछड़ा वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रही है। भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पंचायत राज चुनाव को लेकर बहुत भारी उठानाखात की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी निरंतर पिछड़े वर्ग के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कार्तिक कुछ है, कार्तिक कुछ है। इस दरमियान में हम सब यहाँ उपस्थित हैं इस बात को लेकर के कि पिछड़ों की लड़ाई के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार प्रयासरत है। और जैसा कि परसों हमको फोन आया प्रदेश अध्यक्ष जी का कि आप सबको पिछड़ा वर्ग प्रबुद्ध जन की संगोष्ठी में उमरिया जिले में आपको जाना,
मैं उसी तारतम्य यहाँ आया और मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगा मीडिया के साथियों से कि प्रदेश में कांग्रेस ने हमेशा 70 साल की राजनीति में धोखे ही धोखा दिया। बीते 3 दिनों से क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के अंदर गजबा सौदा क्षेत्र में 9.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इन दिनों हो रही बारिश गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। वहीं इस बारिश से मसूर, चना और तेवड़ की कई किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण कई किसानों के खेतों में लगी मसूर, चना और तेवड़ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अब इन किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। बीते 3 दिनों से क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से जहां मौसम काफी ठंडा हो गया है, वहीं बारिश की वजह से कई किसानों की मसूर, चना और तेवड़ा की फसल प्रभावित हुई है। नुकसान तो जैसे पिसी है, पिसी के लिए तो फायदा है जो पानी गिरा उससे, लेकिन मसूर, तेवरा, चना इनमें नुकसान है। जैसे मसूर में फूल आ गया, वो झड़ गया, अब वो दोबारा नहीं आता है, ठीक। तो ये तो नुकसान हो गया और वो गर्रा जाती है फसल, फिर भी पड़ जाती है मसूर। ऐसा ही चना है, वो गर्रा जाता है, जो फर्रेगा वो फरता नहीं है, फिर है ना, पाला टाइप का बन के रह जाता है। और ऐसा ही तेवरा रहता है, वो भी गर्रा आड़ा हो जाता है, फरता है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं, भाई वो नष्ट हो जाती है उसकी फलियाँ सब पानी के कारण। हमारी 10 बीघा में मसूर है और 10 बीघा में अब आप जो समझ लो कि अगर 5 की आधा नुकसान है उसमें, फूल झड़ गए हैं, हाँ आधा नुकसान है। सर मैंने ये बोल रहा हूँ, मसूर में मैंने पानी दे दिया था, अब ये पानी ऊपर से गिर रहा है, इस चक्कर में मसूर आड़ी हो रही है और ये फूल आ रहा था, ऐसे फूल पूरा झड़ चुका है। अब ये मसूर उठती तो वो मसूर बैठ के रह जाएगी, पानी बहुत तेज है, इस चक्कर में अब वो कुछ बता नहीं सकते कितना नुकसान है, मगर यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो फूल बहुत तेजी से झड़ रहा है। और भी ऐसे तेवरा है, तेवरा में भी नुकसान है, वो आड़ा हो जाता है तो उसमें फली नहीं लग पाती, फूल आ रहा था, फूल भी सबरा झड़ गया। चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा किए जाने के बाद समूचे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। इतना ही नहीं, सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने भी आचार संहिता के तहत बनाए गए सभी नियमों का पालन किए जाने की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत गाजियाबाद में भी जिलाधिकारी और SSP ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें चुनावों के दौरान सभी नियमों का पालन किए जाने के लिए संदेश देते हुए बताया गया। मैंने आपको जैसा कि बहुत ही विस्तार से बताया है कि सारा जो है, जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इमीडिएट प्रभावी हो जाता है और उसमें जो भी प्रचार सामग्री है या इस तरह के जो भी विज्ञापन इत्यादि लगे होते हैं, जो शासकीय विज्ञापन इत्यादि, उनको 24 घंटे के अंदर हटाना होता है। उसके हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है और जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुनिश्चित करने वाली टीमें हैं वो पूरी तरह से अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। साथ ही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान है, जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट प्लान है, जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है, जो हमारा रूट चार्ट है, जितनी भी व्यवस्थाएं इसके लिए होती हैं, हम लोगों ने पहले से ही इसकी तैयारी, बेसिकली ये 6 महीना पहले से ही तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है और आज की तारीख में इसमें हमने लगभग सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली हैं। भी ऑनलाइन रैली में चलता है, उसके भी अगर कोई पब्लिक उसको लगता है कि कहीं ना कहीं विवादित बोला गया है या आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो उसको भी अगर थ्रू मैसेज किसी भी ऑफिसर्स के, जो रूटीन हमारे COG नंबर है वो, या तो ये नंबर स्पेशल इसके लिए लगाया गया है, उस पर भी अगर सूचना मिलती है तो उसकी कार्रवाई भी वो की जाएगी। अभी शस्त्र जमा करने शुरू हो गए, ऑलरेडी 700+ आर्म्स हैं वो पुलिस के पास जमा है। जिनको एग्जेम्पशन चाहिए उनको अप्लाई करना है, उनको 7 दिन का टाइम होता है, 15,470 से ऊपर लाइसेंस है, बिकॉज कुछ जो विरासत में नए अपलोड हुए थे वो संख्या थोड़ी बड़ी है, वेरी कर रही है, लेकिन 15,500 के आसपास टोटल 6 फैक्ट्री और 700 से ऊपर हमने अब तक इलीगल पकड़े हैं और निरंतर अभियान है, देखेंगे और पकड़े जाए।
गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने मैक्स हॉस्पिटल कट पर चेकिंग के दौरान चोरी की स्कूटी पर आते दो अभियुक्त शादाब और मुशीर को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी द्वितीय जानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी मेरठ में अनस से लेते थे, फिर दिल्ली में परिवहन विभाग में एजेंट का काम करने वाले रमन सरदार से 2500 में नकली आरसी बनवाते थे। इतना ही नहीं, नकली आरसी बनवा कर ओएलएक्स एप्लीकेशन के माध्यम से वाहनों को बेच देते थे। दोनों अभियुक्त 4-5 साल से काम कर रहे हैं। दोनों अभियुक्त की निशानदेही पर मसूरी से गोदाम से भारी मात्रा में मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 21 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा दो सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो ओएलएक्स पे गाड़ी नंबर और उसका डिटेल डाल करके ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी बेचते थे। जब 2-3 शिकायतें ऐसी मिली थाने पर, तब इस पे कार्रवाई शुरू हुई और इनको दो को पकड़ा गया है। दो सातिर अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसमें एक है अनस जो चोरी की गाड़ियां इन लोगों को प्रोवाइड कराता था, दूसरा है रमन सरकार जो आरटीओ का दलाल है करोल बाग में, और ये इनको फर्जी आरसी दिलवाता था इन गाड़ियों। संभल में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के आदेश के बाद थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में रजपुरी पुलिस ने अलग अलग दो स्थानों से कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रजपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर चल रहे अवैध शराब निर्माण और बिक्री तस्करी की सूचना पर पहुंची रजपुरा पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 300 लीटर से अधिक कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ 2 अलग अलग स्थानों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।